किसने दी कुर्बानी में कुछ एक नाम शेखर आजाद मर्या वो अल्फ्रेड पार्क में गहरे गया नेताजी का पता चलिया ना किस हालत में वो मर गया। मंगल पांडे जो फौज में सैनिक था, इतिहास कहता है ऐसे कारतूस दिए जा करते थे जिनमें गौ माता की चर्बी हुआ करती थी, वे मुंह से खोलने होते थे। पहला विरोध का सवर उसने उठाया था कि ये कारतूस हम नहीं चलाओगे, इससे हमारा धर्म नष्ट होता। सच हुए चंद्रशेखर आजाद, जीवनी कहती है बालक सा था, स्कूल में गाँव था, क्रांतिकारियों का टोला ज्यादा, अपने साथियों को अपना स्कूल बैग देकर क्रांतिकारियों के साथ मिल गया। क्रांतिकारी ने बोले, अरे तुम बच्चा है, ये अंग्रेज बड़े जालिम, अरे जब ये सजा देते तो बड़े बड़े महारथिन के सामने टूट जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद बालक साहेदा ने बोले, अरे मौका होगा, समय फैसला करेगा कौन टूटेगा कौन नहीं। क्रांतिकारियों के साथ चलता रहा और बताते हैं जब अदालत में पेश किया गया, अंग्रेज जज बैठा हुआ था, वो देख के निकला, बेटे ये फाइल तेरी, इतना देश करो, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद बोलिया नहीं, फिर का बेटा तेरा क्या नाम है, बोला ही नहीं। अंग्रेज जज था निकला, मुंह दागेर कर 20 कोड़े मारो, 20 लागिए, फिर पूछा, अरे बेटा क्या नाम, बोलिया ही नहीं, निकला 20 और मारो, 40 लाग लिए। फिर हंसता हुआ उठा निवला, जज साहब अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। निवला, अरे 40 कोड़े लाग लिए, जब ना बोलिया, निवला जी इसमें भी राज के राज है, अरे जब मैं क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुआ, मेरे साथी ये कहते थे कि अंग्रेज बड़े जालिम, जब ये सजा देते हैं तो बड़े बड़े टूट जाते हैं, और मैंने न्यू कही धीरे, समय बताऊंगा कौन टूटेगा। मैंने अपने क्रांतिकारी साथियों को संदेश दिया है, अरे कोई भी टूटियो पर मैं नहीं टूटूंगा। लखाए निवला रहे, छोटा सा बच्चा है, तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करता, बेटा तेरा क्या नाम और कौन है तेरी माँ जिसने तेरे को जन्म दिया। निवला, जज साहब कागज उठाओ और कलम उठाओ, मेरा बयान दर्ज किया जाए, कलमबद्ध किया जाए, और मैं बताऊंगा तू लिख कौन मेरी माँ है जिसने मेरे को जन्म दिया है, क्या मेरा नाम, कि क्या बुझ हो गए जनाबे आली, क्या बुझ हो गए जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं, अरे मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं। ये बयान दर्ज करवाए जज का भी तौर पटियाला। ऐसे ऐसे 18 18 20 20 22 22 साल के बच्चे
जिनके अंदर इतना जुनून था जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। काकोरी कांड हुआ था सजनों, इतिहास पढ़ते हो, इतिहास दर्शाता है जब उन क्रांतिकारियों ने यह सोचा था धन की जरूरत पड़ेगी, बिना धन लड़ाई लड़ी नहीं जागी। जब वो सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई, अंग्रेजों ने सर्टिफाइड ताला लगाया था जो बंदूक की गोली से भी नहीं टूटा था। इसी माँ भारती का एक सपूत था कि सदा ताला नहीं टूटा, नहीं बोला एक बार मना मौका दियो। सारे हटाकर एक हथौड़े की चोट में वो सर्टिफाइड ताला चूर चूर कर दिया था सजनों। इसी माँ भारती का सपूत उस काकोरी कांड में कौन कौन शामिल थे सारा जिक्र दूसरे नंबर पे। क्या कहा गोरखपुर में झुलाया बिस्मिल, क्या भारतवासी भूल गए। रोशन सिंह इलाहाबाद की जिला जेल में टूट गए। अरे अशफाकुल्ला फैजाबाद में कर फांसी कबूल गए। खुदीराम बोस वीर सावरकर और आती है वो आपके मथे रखते हैं। वीर सावरकर बिल्कुल नादान अवस्था के पर उसकी फाइल पेश करी अदालत में, इतनी मोटी फाइल धरी और अंग्रेज देखते नहीं बोला रहा मुजरिम गलत पकड़ गया है, मुजरिम गलत पकड़ गया है। बोला क्या बे, अरे यार इतनी मोटी फाइल तो किसी खूंखार अपराधी की हो सकती है, इस बच्चे की नहीं हो सकती। मैंने बोला जी सही है, और वो फाइल पलटा अड़े भी देश द्रोह करे, अड़े भी देश द्रोह करे, अड़े भी देश द्रोह करे, उसके लखा गए और उसकी सजा मुकर्रर करी सजनों। ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी पीछे ऐसा मुजरिम घोषित हुआ, ना कभी भविष्य में होगा। अंग्रेज सजने उसकी फाइल देख के और वीर सावरकर को तीन जन्म की सजा सुनाई थी, तीन जन्म की। अगर तीन जन्म की सजा सज ने सुनाई, फिर अदालत में ठहा के लगा के वो सावरकर हंसता, वो सज ने बोला बेटा तेरे को ज्ञान नहीं है तेरे को कितनी बड़ी सजा मिली, तू नादान है। बोला वकील सज साहब मैं बखूबी जानता हूं मेरे को तीन जन्म की सजा मिली है। निबला फिर हंसने की बात है, निबला हंसने की भी बात, ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है बाइबल, मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है कुरान, और हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है गीता। निवला के जज साहब आपके ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान कहती है कि कभी आदमी का दोबारा जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। मेरी गीता कहती है कि आदमी का पुनर्जन्म होता। अरे तना मेरे तो तीन जन्म की सजा दी, तेरा कम से कम मेरी गीता पर विश्वास तो बनया, तेरा बाइबल से तो उठा। मेरे को इसी बात की खुशी है, तीन जन्म की सजा का मेरे को दुख नहीं। तीसरे नंबर पर क्या क्या जिक्र किया सजनों, पहले क्या
लक्ष्मी बाई रण में मर गई, जिसने पाया मुक्ति धाम। लाला जी पे लाठी बरसी, उनका हो गया काम तमाम। I'm sorry।